हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा, जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिनका कॉलेज एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, तो देखो पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग के कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस बार क्या हुआ है, आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न भी क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया है। इससे पहले क्या होता था, है ना, अगर हम लोग ओल्ड पैटर्न की बात करें तो दो पेपर होते थे, एक होता था आपका इन सेम और दूसरा आपका होता था एंड सेम। लेकिन अब क्या है ना बेटा, ये इन सेम वाला एग्जाम अब खत्म हो चुका है, अब आपका जो एक ही पेपर होगा वो होगा फाइनल पेपर, ठीक है, और वो भी 70 मार्क्स का। बाकी 30 मार्क्स आपके कॉलेज के परफॉर्मेंस पे इंटरनली आपको दिए जाएंगे। तो इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। इससे पहले क्या था, दो एग्जाम्स होते थे, एक आपका इन सेम एक एंड सेम, अब इसे खत्म करके सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो भी आपका फाइनल पेपर। इससे पहले क्या था, ग्राफिक्स 50 मार्क्स का होता था, लेकिन अब इस बार भी ग्राफिक्स को क्या किया गया है बेटा, 70 मार्क्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो बहुत से बच्चे पता कंफ्यूज भी हो रहे थे, कंफ्यूज वगैरह नहीं होना है। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। अगर मैं आपसे क्लास 11, 12 की बात करूं तो तीन सब्जेक्ट मेनली हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। अगर हम लोग बात करें क्लास 11, 12 की, तो हमें पढ़ना पड़ता था फिजिक्स, बोलोगे यस सर, हमें पढ़ना पड़ता था केमिस्ट्री और हमें पढ़ना पड़ता था मैथ्स। अब देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है बेटा, इंजीनियरिंग में ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये ईजी हो जाता है, और ये जो आपका मैथमेटिक्स है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मतलब आपको मैथ्स बहुत सारा पढ़ना है, यहाँ पर M1 पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आपको M2 पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में और M3 पढ़ना है आपके थर्ड सेमेस्टर में। तो ये जो बच्चों को डर लगता था ना फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो भैया इसका डर आप निकाल दो, क्योंकि इस बार क्या है, इंजीनियरिंग में फिजिक्स भी ईजी हो गया है और केमिस्ट्री भी क्या हो गया बेटा, ईजी हो गया, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स को मैं टफ जरूर बोलूंगा, लेकिन मैथ्स क्या थोड़ा बड़ा हो गया, पहले आपको कम मैथ पढ़ना पड़ता था, अब आपको क्या है ज्यादा मैथ पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेम में भी आपका मैथ्स रहेगा, सेकंड सेम में भी आपका मैथ्स रहेगा, और आप जब थर्ड सेम का पेपर देंगे तो वहां पर भी मैथ्स रहेगा, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो देखो बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है ना जो बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करवा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स भी है बेटा। लेकिन मेरा एक उद्देश्य ऐसा है कि ऐसे बच्चे जिनका बेस थोड़ा सा वीक है ना, ऐसे बच्चे जिनका बेस क्या है थोड़ा सा वीक है, जिनको डर लगता है कि नहीं यार, उन्होंने अपने आप को वो जीरो मानते कि हमसे ना हो पाएगा, तो मैं गारंटी देता हूं भैया कि आपको बनाऊंगा जीरो से हीरो, ठीक है। तो एकदम ऐसा बच्चा जिसको मैथ से डर लगता है ना, वो तो भैया डेमो लेक्चर्स भी देखना, मेरे कोर्स में भी इन्वॉल्व होना, मैथ्स का जो डर है ना वो छूमंतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो 11, 12 में आपने मिस्टेक्स करा उसको भी सुधरवा दूंगा, बस आपको क्या करना है, अच्छे मन से पढ़ना है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। देखो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ये है आपका मैथमेटिक्स 1, ठीक है। तो भैया मैथमेटिक्स 1 के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स 1 आपका बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। मैंने एकदम इसको जीरो लेवल से पढ़ाया, कहां से पढ़ाया बेटा, जीरो लेवल से पढ़ाया है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है, आप जाइए मैथमेटिक्स 1 को एंजॉय कीजिए, ठीक है। पूरा कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो मैथमेटिक्स 1 मैंने कवर अप करवा दिया, ठीक है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है ये है आपका फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये भी सभी बच्चों को पढ़ना है। ये आपका हो गया दूसरा, जहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, तो ठीक ठाक सब्जेक्ट है, उतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बात आप समझना, अब आप जाओगे ना तो कॉलेज में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ए ग्रुप और दूसरा होता है बी ग्रुप। अब देखो ए और बी ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी बच्चे को अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना है
तो वो केमिस्ट्री कब पढ़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेगा और कौन सा बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में आपका फिजिक्स पढ़ेगा, तो ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना, दो सब्जेक्ट तो ये कंपलसरी है, एक आपका मैथमेटिक्स वन और दूसरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ोगे, और अगर आपको फिजिक्स पढ़ना होगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास मैंने RGPB यूनिवर्सिटी के लिए करवाया था, ठीक है, जो कि मानकर चलो कि सेम टू सेम पुणे यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो फिजिक्स में मानकर चलो आपके 50-60% टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, कवर अप हो जाएगा। 50-60% टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज आपका यहां पर है। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेम में, तो आप सेकंड में पढ़ोगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, और अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेम में, तो आप सेकंड सेम में पढ़ोगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आप कॉलेज जाइए, आप देखिए आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर बच्चों को दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स मैं आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ सेम चीज ग्राफिक्स के लिए। अगर आप फर्स्ट सेम में ग्राफिक्स पढ़ेंगे, देखो बेटा ये ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेम में ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिक्स, और अगर आप फर्स्ट सेम में मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राफिक्स। दोनों ही टफ सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना होगा तो मैकेनिक्स का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, और अगर आपको ग्राफिक्स पढ़ना होगा तो ग्राफिक्स का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और रही बात आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो आप कॉलेज जाइए, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप वीडियो पे कमेंट करना, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम भी आपके लिए क्या करूंगा बच्चों, सॉल्व करूंगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इजी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है बेटा, आपके कॉमन है। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान कौन सब्जेक्ट्स का रखना है बेटा, देख लो M1 तो मैं करवा दे रहा हूं, नो डाउट M1 आपसे हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इजी है, ये भी आप कर लोगे, बस यहां देखना है कि इलेक्ट्रिकल है कि मैकेनिक्स है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट टफ है बेटा, ग्राफिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये दो सब्जेक्ट टफ है, तो इसमें आपको ध्यान देना, दिक्कत होगा इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी कोर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, अगर कोर्स के प्राइस की बात की जाए तो मैथमेटिक्स वन का फीस भी 799 है, ग्राफिक्स का फीस भी 799 है, और मैकेनिक्स का फीस भी 799 है। तीनों के डेमो लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तीनों का जो डेमो लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, उस ऐप में आपको ये तीनों कोर्सेस मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो भैया इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने इंजीनियरिंग को क्या है बेटा, आप एंजॉय करो, ठीक है, और डरो मत। मैंने क्या बोला, डरना नहीं, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मिस कॉल करना इस नंबर पे, मैं जरूर कॉल बैक करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी बेटा उसको मैं क्या करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डेमो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे पूरे कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।